अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जिस लास्ट यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया था उसका नाम था अलजौफ यूनिवर्सिटी, और जिसमें आज हमने अप्लाई करना है उसका नाम है जज़ान यूनिवर्सिटी। जज़ान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सिंपली इसका लिंक जो है नूरा यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ से इसको टाइटल जो है वो कॉपी कर लेना है और इसको आके पेस्ट कर देना। आपने जज़ान यूनिवर्सिटी के आगे .edu.sa लिख लेना है ताकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप वेबसाइट के मुकम्मल एक रिव्यू ले सकते हैं। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ के सेक्शन में आप देखें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ न्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर ये सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर विज़िटर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। विज़िटर सर्विसेज हैं, स्टूडेंट सर्विसेज हैं, फैकल्टी पोर्टल सर्विसेज हैं। हम सिंपली स्टूडेंट सर्विस पर जो है देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मुकम्मल ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर अगर आप देखें नीचे एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, शेड्यूल स्कॉलरशिप स्टूडेंट 1443। तो इस पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक इस तरह का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं टोटली अरेबिक में है, पिक्चर की सूरत में है, रीडेबल नहीं है। इसको अगर मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में भी मुख्तलिफ इनके जो है स्कॉलरशिप के हवाले से के न्यूज़ देख सकते हैं। वापस अगर मैं ऊपर आऊँ पर आने के बाद अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये जो शेड्यूल है ये 30 मुहर्रम 1443 मतलब के 2021 में ये जो है शेड्यूल जारी किया गया था। तो मज़ीद अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं स्क्रॉल डाउन करके तो आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे अरेबिक में दिया हुआ है और अरेबिक में है, पिक्चर की सूरत में, इसलिए रीडेबल नहीं है। सिंपली अब हमने करना क्या है, हमने मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो ये 30 मुहर्रम 1443 हिजरी लिखा हुआ है। महीना तो ये भी मुहर्रम का है लेकिन जो साल है वो 1444 हिजरी चल रहा है और ये 1443 हिजरी है, इसलिए ये 2021 की अनाउंसमेंट है। अगर मैं बैक करूँ, बैक आने के बाद ये जो 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो स्क्रॉल डाउन करने पर मुझे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो जो दूसरे नंबर पे ऊपर की तरफ जो दूसरे नंबर पे अबाउट यूनिवर्सिटी के नीचे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप डीनशिप का ऑप्शन देख सकते हैं। इस डीनशिप के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डीनशिप एंड एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको अगर हम डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्लियर विजन मतलब इजी टू व्यू हो जाएगा। आप इसको सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ और डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट सर्विस ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट सर्विस में अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं और आपको दिखाऊं तो ये कुछ टैब्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर आपको एक एकेडमिक कैलेंडर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द डीनशिप ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है और दीगर ऑप्शन भी हैं, लेकिन जो हमारे लिए मेन है वो ये है जो डीनशिप का ऑप्शन है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से अगर जो है क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा, इसको अगर मैं जूम करूं, जूम इन करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया है जिनकी मुख्तलिफ डेट्स दी हुई हैं और डेट जो है वो जून की दी हुई है। अगर पहली आप देखें 18/6/2022 की है, इसी तरह छठे महीने की मुकम्मल डेट्स हैं। अनाउंसमेंट में भी अगर आप देखें तो इसी तरह से मुकम्मल आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें, कॉलेजेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी हैं वो आपको सामने नज़र आ जाएंगे। इन कॉलेजेस को हमने रिव्यू करना है, इसमें जिससे जो है जिसमें स्कॉलरशिप ऑन होगी हम उस पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज इन
अलआरदा जो है इस पे मैंने क्लिक किया है। अगर इसका इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पर जो है इसके मुकम्मल न्यूज़ वगैरह और डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा कि अगर किसी की स्कॉलरशिप होगी तो उसके ऊपर जो है फ्रंट पे कैलेंडर आपको नज़र आ जाएगा। आप इजीली जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करना है। मैं भी कुछ को एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है अगर आप ये यूनिट में आएँ, यूनिट में आने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं आपके पास ये मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप यूनिट प्राइमरी टैब्स का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्कॉलरशिप के टैब ओपन हो जाएगा। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी लिस्ट दी हुई है। नीचे स्कॉलरशिप के हवाले से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर मैं ये स्कॉलरशिप में आने के बाद यहाँ पर जो है ऑप्शंस में आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं ये ई सर्विसेज में, तो ये मुख्तलिफ स्टूडेंट सर्विसेज, फैकल्टी सर्विसेज और डिफरेंट सर्विसेज दिए हुए हैं। और अगर मैं मीडिया में दिखाऊं तो न्यूज़ वगैरह और मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसे जो है हम इजीली किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं एकेडमिक कैलेंडर को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर जो है वो एरर दे रहा है, मतलब अभी ओपन नहीं हो रहा। अगर ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड जिस तरह हो रहा है तो ये जो है मेरे पास देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे तो ये एकेडमिक कैलेंडर का जो 3 पेजेस का पीडीएफ है ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये जो है 2021 और 2022 का एकेडमिक कैलेंडर ईयर है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 2021-22 से ही शुरू हो रहा है। अगर इसमें आप देखें तो जो लास्ट डेट है वो भी इन्होंने 10 अगस्त 2021 की दी हुई है। मतलब ये जो कैलेंडर है इन्होंने 2021 का अभी तक अपडेट किया है। जो न्यू कैलेंडर है 2022 का, जिसमें 2022-23 सेशन होंगे, सेमेस्टर होंगे, उनका अभी इन्होंने कैलेंडर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। ये मुकम्मल डेट्स जो हैं ये 2021 के हवाले से, जो एजुकेशन ईयर है उस हवाले से इन्होंने दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पे इन्होंने डिटेल दी हुई है कब फर्स्ट सेमेस्टर होगा और डिफरेंट जो फीस स्केड्यूल है या दूसरी चीज़ें हैं वो मुकम्मल ही इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो इसको अगर मैं नीचे तक आपको दिखाऊं और नीचे आता जाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 2022 का जो है सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। इसमें अगर आप डेट्स देखे जाएं तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जून के महीने में ये एंड हो रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप के हवाले से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई।